एस न्यूज। जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के अंतर्गत महदेइया आदर्श चौकी उद्घाटन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार उपस्थित रहे। इस चौकी उद्घाटन में सबसे बड़ा योगदान प्रभारी चौकी महदेइया अश्वनी कुमार दुबे का है। इस चौकी को बनवाने में इन्होंने कड़ी मेहनत की और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह चौकी को बनवाने के लिए कोई सरकारी बजट था ही नहीं, इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च कर और कुछ सम्मानित लोगों की मदद से इस चौकी को बनवाया। प्रभारी चौकी महदेइया के अश्वनी कुमार दुबे के इस सराहनीय कार्य से खुश होकर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने खूब प्रशंसा की और उन्होंने जनता से कहा कि यह चौकी को बनवाने में जितने सम्मानित लोगों ने इसमें योगदान दिया है उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार ने मीडिया से पूछा कि इस उद्घाटन समारोह से जनता को और अपने अधिकारी गण को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस उद्घाटन समारोह से यह संदेश देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता को न्याय मिलेगा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी उतरौला मनोज यादव, प्रभारी निरीक्षक उतरौला संतोष सिंह, श्रीदत्तगंज चौकी इंचार्ज शशिकांत पांडे, गांधीनगर चौकी इंचार्ज कमलेश यादव, महदेइया चौकी इंचार्ज अश्वनी कुमार दुबे, पहल चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला और इसी बीच प्रधान संघ अध्यक्ष रामफल यादव, ध्रुव यादव, डब्बू मिश्रा, राजू पांडे, अब्दुल कयूम, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रंजीत आजाद और भाजपा के मंडल अध्यक्ष रणविजय सिंह के साथ ही भारी संख्या में जनता और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बलरामपुर से एबीपीएस न्यूज के लिए शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट। संदेश तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये चौकी जो है स्थानीय लोगों के सहयोग से बनी है। मैं सर्वप्रथम इस क्षेत्र के समस्त लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये उनके सहयोग से बना है, उनकी अपनी है, उनके सेवा के लिए।